अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, इंग्लिश का आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे मोबाइल फ़ोन। पेज नंबर निकालें 45। प्रीवियस काम आपका मुकम्मल होना चाहिए, क्योंकि अगर करेंगे नहीं तो फिर ज़्यादा बर्डन होता जाएगा। आज तो मैं आपका यकीनन पसंदीदा चैप्टर पढ़ रही हूँ, मोबाइल फ़ोन। ठीक है, ज़ाहिर सबके पास होगा, घर में हर एक के पास मोबाइल फ़ोन मौजूद है। उसकी अहमियत क्या है, ये क्यों ज़रूरी हो गया है आजकल, ये बताया गया है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन आर सो इम्पॉर्टेंट डैट दे हैव बिकम एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ्स। हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी का ये लाजमी जुज़ बन गए हैं। सही है, रोज़मर्रा ज़िंदगी सही है कि लाजमी हिस्सा बन गए। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है कि लाजमी हिस्सा बन गए। द क्वेश्चन अराइजेज, एक सवाल उठता है जहनों में कि सो टू वाई दे आर सो पॉपुलर, ये इतने अहम क्यों हैं, ये इतने अजीज़ क्यों हो गए हम लोगों को। हाँ, सेकेंड पैराग्राफ पे आइए, मोबाइल फ़ोन आर प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। ठीक है, दीज डेज ऑलमोस्ट एवरी वन ओन्स आ मोबाइल फ़ोन, सबके पास है ना। इट इज़ एन एसेंशियल टूल, ज़रूरी औजार भी इसको कहा जाता है, ऑफ पर्सनल एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। सही है, ज़ाती तौर पे और बिजनेस के हवाले से। द पीपल आर सो डिपेंडेंट ऑन मोबाइल फ़ोन, लोग बहुत ज़्यादा इस पे भरोसा करने लगे हैं। इट इज़ अ गुड डैट दे कैन नॉट इमेजिन अ लाइफ विदाउट देम, कि वो अपनी ज़िंदगी इसके बगैर तसव्वुर भी नहीं कर सकते। देयर इज़ नो डाउट डैट मोबाइल फ़ोन इज़ अ ग्रेट इन्वेंशन ऑफ साइंस, इसमें कोई शक नहीं कि ये एक साइंस की बेहतरीन इजाद है। इट इज़ अ गुड टेक्नोलॉजी सर्विंग द क्विकस्ट कम्युनिकेशन, यानी कि तेज़ी से बात करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हों, आप इसके ज़रिए कनेक्ट एक दूसरे से रहते हैं। द फर्स्ट मोबाइल फ़ोन नेटवर्क स्टार्टेड वर्किंग इन 1917, पहला मोबाइल फ़ोन ने काम करना शुरू किया 1917 में। एट दैट टाइम, पेज नंबर आइए 46 पे, नेक्स्ट पेज पे आइए, द मोबाइल फ़ोन वर वेरी लार्ज एंड हैवी, जब उस वक्त बहुत हैवी हुआ करता था। In the late 20th century, technology improved so much that better innovation came forth and smaller mobile. जब technology ने develop अपने आप को किया, जब technology बेहतर हुई तो बहुत सारी इजादात हुई और बहुत छोटे छोटे अच्छे प्यारे मोबाइल फ़ोन आ गए, जैसे कि आपको पता है। A mobile phone is a combination of two technologies, दो technology का combination है। टेलीफोन, नंबर वन टेलीफोन विच वॉज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ठीक है ना, आपको पता है कि टेलीफोन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जात किया, इन कब किया, 1876 में। एंड सेकेंड, रेडियो वॉज इन्वेंटेड बाय निकोला टेस्ला इन द 1880। सही है, 1880 में निकोला टेस्ला इसने ईजाद किया। तो These two types of network are used in mobile phone. ये दोनों types की जो network है वो mobile phone में use होता है, analog network, digital network. Most of the old mobile phone use analog network and most of modern mobile phone use digital network. कुछ analog network के तौर पर काम करते हैं, कुछ digital network के। We know there are नंबर ऑफ एडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन, बहुत ज़्यादा इसकी क्या कहते हैं खूबियाँ हैं, बहुत ज़्यादा इसकी क्वालिटीज़ है अगर हम इसके मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करें। फर्स्टली, पहला क्या है, मोबाइल फ़ोन इज़ अ पोर्टेबल डिवाइस, आप कहीं भी ले जा सकते हैं इधर उधर। देयरफॉर इट इज़ कन्वीनियंट फॉर अस टू कैरी मोबाइल फ़ोन एंड कीप इन कॉन्टेक्ट विद अदर एट एनी टाइम। सही है ना, दूसरों के साथ हम किसी भी वक्त कांटेक्ट में रह सकते हैं। व्हेन वी आर आउटडोर, जब हम बाहर होते हैं
वेयर दे आर नो टेलीफोन, जब कहाँ कहीं टेलीफोन नहीं होता, वी कैन यूज़ आवर हैंडी मोबाइल, हम अपने मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली, दूसरा क्या है, मोबाइल फोन एनेबल अस टू कॉल फॉर हेल्प ड्यूरिंग टाइम ऑफ एमरजेंसी, एमरजेंसी के तौर पे भी हम इसको यूज़ करते हैं, हंगामी सूरत हाल के वाक़ात के दौरान हम कॉल करने के काबिल होते हैं, कोई मसला कोई मुसीबत में पड़ जाए तो हम फटाफट कर सकते हैं। देर हैव बीन सम केसेस इन विच द पुलिस मेड यूज़ ऑफ द विक्टिम मोबाइल फ़ोन, विक्टिम्स शिकार यानी कि अपने अपनी शिकारी को कैच करने के लिए भी मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। नेटवर्क ऑफ लोकेट द किडनैपर्स के, इससे किडनैपर का पता चल जाता है, यानी कि बहुत सारे काम आता है ये, आपको सब आप देखते हैं टीवी में रेडियो में अपने इर्द गिर्द कितना काम आता है ये कि मोबाइल फ़ोन हम किस किस तरह और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सम पीपल, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आइए, सम पीपल फील अनकम्फर्टेबल और हैंडीकैप्ड विदाउट देयर मोबाइल्स एज दे हैव बिकम अ नेसेसिटी इन आवर डेली लाइफ्स, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हमारे पास मोबाइल नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। दिस इज़ मेनली ड्यू टू द कन्वीनियंस ऑफ मोबाइल्स, इसका ये इस वजह से होता है कि ये हम बहुत हम आरामदेह फील करते हैं कि अगर हमारे पास मोबाइल फ़ोन है तो हम कहीं भी जाके किसी से भी बात कर सकते हैं। एंड देयर वेरियस फंक्शन सच एज मैप 3, म्यूज़िक प्लेयर्स, रेडियो एंड गेम्स, है ना, आपको समझ में आ रहा होगा इसका मतलब। मोबाइल्स आर नॉट ओनली अ ग्रेट टाइम सेविंग डिवाइस बट दे आर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट टू, यानी कि न सिर्फ हमारा ये डिवाइस जो है हमारी टाइमिंग की बचत करता है बल्कि हमें इंटरटेनमेंट भी फ्राहम करता है, जैसे गाने सुन लिए, म्यूज़िक सुन लिया, कोई अच्छी बात सुन ली, कोई जोक सुन लिया, कोई जोक भेज दिया, इस तरह से। ऑन द अदर हैंड वी कैन सी मैनी डिसएडवांटेजेस, इसके अलावा दूसरी तरफ इसकी खामियाँ भी हैं ऑफ मोबाइल फ़ोन, जैसे कि आप सबको पता है people have become completely dependent on mobile phone since they are now multi-purposed with different function, sahi bahut sare function hai iske, people waste most of the time by using mobile phone, zahir hai log bahut zyada use karte hain jaise ki aap log sab use karte honge ghar pe, instead of doing some important work of life in this time period, तो इससे वक्त का ज़िया भी होता है कि अगर आप मुस्तकिल इस्तेमाल करते रहें और किसी काम भी ना आए तो डिसएडवांटेजेस के बजाय हम इसके एडवांटेजेस क्यों नहीं हासिल कर लेते। नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर 47, दिस मे अफेक्ट द स्टूडेंट ऑफ स्कूल एज दे मे प्ले गेम्स एंड सेंड मैसेजेस ड्यूरिंग लेसन, अब ये होता है कि जैसे कि ऑनलाइन हम क्लास में पढ़ रहे हैं ना, हम लेसन भी पढ़ सकते हैं, मैसेजेस भी दे सकते हैं एक दूसरे को, कुछ समझ में नहीं आया तो दोस्त एक दूसरे को दे सकते हैं मैसेजेस के क्या पढ़ाया क्या, यानी कि बहुत सारे काम होते हैं। मोबाइल फ़ोन, लास्ट पैराग्राफ आप देखिए, मोबाइल फ़ोन आर सो इंडिस्पेंसिबल टूल्स डैट वी कैन नॉट लिव विदाउट देम, सही है ना। कि हम इसके बगैर रह नहीं सकते, सही है, और ये हमारे लिए बस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि हम इसके बगैर रह नहीं सकते, और तमाम मोबाइल फ़ोन ऐसे ज़रूरी आले हैं जिसके बगैर हम रह नहीं, इंडिस्पेंसिबल कहते हैं कि बहुत ज़रूरी कोई चीज़, कोई हथियार, कोई टूल ऐसा हो जो हमारी बस ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल इसी तरह मोबाइल फ़ोन का भी यही हाल है, डेट वी कैन नॉट लिव विदाउट देम बट वी शुड अवॉइड अब्यूजिंग देम, देयर फॉर वी शुड थिंक केयरफुली अबाउट द एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक्स बिफोर परचेजिंग अ मोबाइल, सही है। लेकिन कौन ध्यान रखता है कि हम मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, आजकल के तो जो नई नस्ल है जैसे आप लोग हैं, तो आप लोगों का मकसद ये होता है कि मोबाइल फ़ोन ख़रीदें और उसमें बस इंजॉय करें, कोई काम की चीज़ तो देखेंगे नहीं,
तो ये खरीदने से पहले कौन सोचता है? आजकल तो ये इंजॉयमेंट का एक बेहतरीन जरिया बन गया है, इसलिए हर कोई इसको खरीद सकता है। एंड आस्क अवर सेल्फ वाई वी नीड अ मोबाइल फ़ोन, और अपने आप से पूछें कि हमें क्यों ज़रूरत होती है, एंड वेदर एज शैल वी एबल टू यूज़ इट रिस्पॉन्सिबली, जबकि हमें इसे बहुत ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। आ गई बात समझ में? इसमें कोई समझाने वाली भी ऐसी बात नहीं थी, सब कुछ आपको पता है, आपकी आंखों के सामने हो रहा है, और बस मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करें मगर बेहतर फ़ायदा उठाने के लिए, बेहतर तरीक़ों के लिए करें, ना कि डिसएडवांटेजेस आपको मिले इससे, ठीक है। इसके बाद ये सवाल जवाब पे आइए, एक्सरसाइज है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये आपको दे दिया जाएगा आपके इमेज फॉर्म पे या पीडीएफ पे, आपको जो भी फ्राहम किया जाएगा इसके मुताबिक ये एक्सरसाइज कीजिएगा। इसके चार सवाल हैं, उसके बाद टिक द करेक्ट आंसर है ये वाला सवाल, पेज नंबर 47, फिर पेज नंबर 48 पे आइए, फिल इन द ब्लैंक्स और मार्क द ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। बस एक्सरसाइज वन करेंगे, एक्सरसाइज टू करेंगे ट्रू फॉल्स है, एक्सरसाइज थ्री फिल इन द ब्लैंक्स, एक्सरसाइज फोर करेंगे ट्रू फॉल्स है, ठीक है। ये ऑप्शन वाले हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स है, बस यहाँ तक, एक्सरसाइज नंबर फोर तक, वन से फोर तक ये अपनी कॉपी में काम करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक में आपको पढ़ाऊँगा।